हेलो पीपल, हाउ आर यू ऑल। सो दिस इज मी नेहा शर्मा, और आज हम पार्ट 7 देखेंगे वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस का फॉर एसएससी सीजीएल। ठीक है, तो इसके पहले हमने अप्रॉक्सीमेटली 60 नॉट अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्टली 61 वर्ड सब्सटीट्यूशन देखे हैं लेवल 2 के, राइट। अब हम 61 to 70 देखेंगे लेवल 2 के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। 61 है अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। तो ये मैंने आपको पहले वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस में बताया हुआ है, बट नॉट एग्जैक्टली दिस, मतलब ऑप्शन में ये वर्ड यूज़ हुआ था। ठीक है, और ये बहुत कॉमन वर्ड है। अगर आप रेगुलरली वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस के लेसन्स देखते आ रहे हैं तो ऑप्शंस में ये वर्ड काफ़ी बार आया है। ठीक है, जिसका मीनिंग मैंने आपको बताया है, अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, जिसमें काम कम है पैसे ज़्यादा हैं। ठीक है, लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी बट हाई बेनिफिट्स। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिनेक्योर। ठीक है, तो सिनेक्योर तो आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शंस हम देख लेते हैं। ऑनररी, तो ऑनररी का एक तरीके से मतलब होता है माननीय। ठीक है, कन्फर्ड एज एन ऑनर। वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मतलब अपनी विल से, अपनी स्वेच्छा से कुछ करना, राइट, स्वैच्छिक जिसको बोलते हैं। और इनवॉलेंट्री मतलब डन विदाउट विल, हमारी इच्छा नहीं है जिसमें, बट फिर भी इनवॉलेंट्री कर रहे हैं। ठीक है, इस टाइप का। नाउ नेक्स्ट है, अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ड्रामा। ड्रामा खत्म होने के बाद उसके कंक्लूजन में जो स्पीच एड्रेस की जाती है टू द स्पेक्टेटर्स, उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं हमारे ओड, एपिलॉग, हाइम, बैलेड। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता दूं, ओड भी बहुत बार हमने यूज़ किया है। ओड इज़ अ पोएम एक्सप्रेसिंग राइटर्स फीलिंग्स। ठीक है, जिसमें राइटर्स अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा होता है। हाइम एक तरीके का रिलीजियस पोएम है टू प्रेज गॉड। ठीक है, रिलीजियस सॉन्ग है या पोएम टू प्रेज गॉड। ठीक है, और बैलेड, बैलेड एक सॉन्ग या पोएम को बोलते हैं नरेटिंग अ स्टोरी इन स्टैंजाज। ठीक है, जिसमें स्टोरी नरेट की जा रही होती है स्टैंजाज में। ओके, सो ऑप्शन बी जो है एपिलॉग वो सही है। एपिलॉग इज अ शॉर्ट पोएम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ड्रामा। ओके, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। किसी चीज के लिए स्पेशल लाइकिंग हो या फॉन्डनेस हो तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस दिए हुए हैं, इंक्लिनेशन, पेंशेंट, प्रोस्पेंसिटी, प्रीऑक्यूपेशन। ठीक है, प्रोपेंसिटी है ये, सॉरी, प्रोपेंसिटी, प्री ऑक्यूपेशन। तो देखिए, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन का मतलब होता है एक नेचुरल टेंडेंसी बोल सकते हो आप। ठीक है, एक पर्सन की नेचुरल टेंडेंसी या अर्ज होती है टू एक्ट और फील इन अ पर्टिकुलर वे, उसको बोलेंगे इंक्लिनेशन। यहाँ पे रिलेट करके मैं मीनिंग बता रही हूँ, इंक्लिनेशन के दो तीन मीनिंग और हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रिलेट करके आपको मीनिंग बता रही हूँ कि एक टेंडेंसी ऑफ अ पर्सन और अ नेचुरल टेंडेंसी और अ अर्ज टू एक्ट और फील इन अ पर्टिकुलर वे, ये होगा इंक्लिनेशन का यहाँ पे मतलब। ठीक है, इसकी दूसरी मतलब इंक्लाइंड और लीनिंग टाइप का भी होता है। ठीक है, नाउ पेंशेंट का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग लाइकिंग ऑफ फॉर समथिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग, एक स्ट्रॉन्ग लाइकिंग है हमारी, स्ट्रॉन्ग पसंद है हमारी किसी चीज़ के लिए, उसको बोलेंगे पेंशेंट। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं, यहाँ पे स्पेशल लाइकिंग पूछा है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नाउ प्री ऑक्यूपेशन, प्री ऑक्यूपेशन का मतलब होता है द स्टेट ऑफ बींग प्री ऑक्यूपाइड। ठीक है, किसी चीज़ से आप प्री ऑक्यूपाइड हो, उस कंडीशन को हम प्री ऑक्यूपेशन बोलेंगे। एनग्रॉस्ड हो किसी चीज़ के साथ, उसको प्री ऑक्यूपेशन बोलेंगे। तो ऑप्शन सी बचता है हमारा, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी इज द आंसर, प्रोपेंसिटी इज अ स्पेशल फॉन्डनेस और लाइकिंग फॉर। ठीक है, नेक्स्ट है अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड। ठीक है, अ टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज्ड ऑर्गन्स। ठीक है, जो भी डिजीज्ड ऑर्गन है, जिस ऑर्गन में हमारी बीमारी हो रखी है, वहाँ से सेल्स जब रिमूव किए जाते हैं और उनको टेस्ट किया जाता है, तो उस टेस्ट को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये पूछा गया है यहाँ पे, तो ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शंस में प्रूफ है, बायोप्सी है, डायग्नोसिस है, ऑटोप्सी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ऑटोप्सी का मतलब होता है एक तरीके का पोस्टमार्टम टाइप्स। ठीक है, मतलब टू नो द कॉज ऑफ द डेथ, जब हमें पता नहीं रहता है कि किस वजह से डेथ हुई है तो पोस्टमार्टम किया जाता है, राइट, और पोस्टमार्टम को ऑटोप्सी भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ रिप्रूफ, रिप्रूफ का मतलब होता है एक तरीके का डिसअप्रूवल या ब्लेम। ठीक है,
एक तरीके का ब्लेम या डिसअप्रूवल मींस अप्रूव, एंड डायग्नोसिस, डायग्नोसिस का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द बीमारी. ठीक है, जब हम उस डिजीज का नेचर आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं तो उसको हम डायग्नोस कर रहे होते हैं. ठीक है, तो दैट इज डायग्नोसिस. तो बायोप्सी, बायोप्सी इज द राइट आंसर. बायोप्सी इज द टेस्ट इन विच सेल्स फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एन अबैंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाई समबडी. ठीक है, एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स का पता नहीं है, ठीक है, और किसी को मिलता है जब ऐसा बच्चा, तो उस बच्चे को क्या बोलेंगे. ठीक है, ऑप्शंस हैं सिबलिंग, अर्चिन, ऑर्फन, फाउंडलिंग. ठीक है, तो सिबलिंग मतलब एक ब्रदर और सिस्टर को सिबलिंग बोलते हैं. अर्चिन मतलब एक यंग बच्चा हु इज पुअरली ड्रेस्ड. ठीक है, दैट इज अर्चिन, जो कि पुअरली ड्रेस्ड है थोड़ा. ओके, ऑफन मतलब सभी को पता है जिसके पेरेंट्स नहीं है. नाउ फाउंडलिंग ऑप्शन बचता है, फाउंडलिंग इज द राइट ऑप्शन. और यहाँ पे फाउंड बाई समवन है और फाउंड यहाँ पे भी वर्ड दिया हुआ है, तो ये एक ट्रिक भी है, आप इस तरीके से याद भी कर सकते हो कि फाउंड बाई समबडी इज फाउंडलिंग. ठीक है, तो अ चाइल्ड हु इज अबैंडन एंड हुज पेरेंट्स आर अननोन एंड इज फाउंड बाई समबडी इज फाउंडलिंग. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वर्ड है हमारा अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाई किडनेपर्स. ठीक है, तो जब कोई किडनैपर, आई मीन किसी को किडनैप कर लेता है और फिर हमें पैसा मांगता है, तो उस मनी को, उस अमाउंट को क्या बोलेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं हमारे रैंसम, हॉनोरेरियम, डोनेशन, रिवॉर्ड. ठीक है, तो डोनेशन मतलब सब जानते हैं एक चैरिटी टाइप का होता है. रिवॉर्ड मतलब होता है जब किसी चीज़ कोई एक रिवॉर्ड इज अ काइंड ऑफ अचीवमेंट, जब हमारी किसी चीज़ को रिकग्निशन मिलती है, ठीक है, और उसके बदले में हमें कुछ मिलता है, तो दैट इज रिवॉर्ड. एंड हॉनोरेरियम का मतलब बहुत इजी है, अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड नॉमिनली विदाउट चार्ज. ये मैंने बहुत जगह बताया है इसका मीनिंग. ठीक है, अब तक आपको ये वर्ड्स जो बार बार रिपीटेडली ऑप्शंस में आ रहे हैं ना, वो अब आपको याद हो जाने चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि अभी हमारा वर्ड आया था सिनेक्योर. ठीक है, नाउ ओड आया था, हाइम आया था, अब ऑनोरेरियम आया है. तो ये वर्ड्स आपको याद हो जाने चाहिए, इनके मीनिंग आपने याद हो जाने चाहिए, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में अगर ये वर्ड आते भी हैं तो आप एकदम श्योर शॉट हो जाओ कि यार ये तो ऑप्शन नहीं है, इसका मीनिंग तो ये है, मैंने इतनी बार पढ़ा है या सुना है. ठीक है, तो ऑनोरेरियम मतलब है अ पेमेंट गिवन फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज दैट आर रेंडर्ड नॉमिनली विदाउट चार्ज. ठीक है, ऐसी सर्विसेज जिस जो विदाउट चार्ज में रेंडर की जाती है जनरली, उसके लिए जो पेमेंट दिया जाता है, दैट इज ऑनोरेरियम. ठीक है, तो रैंसम, रैंसम बचता है, तो रैंसम इज द करेक्ट आंसर, अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय द किडनैपर्स. ठीक है, तो रैंसम आप याद रखेंगे, रैंसम हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट है हमारा एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील. तो पहले तो मॉर्बिड का मतलब क्या होता है, एक तरीके से अनहेल्दी और मेंटल स्टेट जब सही नहीं होता है उसको मॉर्बिड बोलेंगे. मॉर्बिड डिजायर मतलब सही डिजायर नहीं है, अनहेल्दी डिजायर है. ठीक है, तो ऐसी डिजायर टू स्टील, स्टील मतलब चोरी करना हो, कि उसको क्या बोलेंगे. ऑप्शंस हैं लोगोमैनिया, हाइपोमैनिया, निम्फोमैनिया, क्लेप्टोमैनिया. राइट, तो लोगोमैनिया का आई मीन मीनिंग है एक्सेसिवली टॉकिंग. ठीक है, कोई जब एक्सेसिव टॉक कर रहा होता है, दैट इज लोगोमैनिया. एंड हाइपोमैनिया का मतलब है कंडीशन सिमिलर टू मेनिया बट लेस सीवियर. ठीक है, एक मेनिया है बट उससे कम सीवियर है, कम मेजर है, दैट इज हाइपोमैनिया. एंड दूसरा है हमारा निम्फोमैनिया. निम्फोमैनिया का मतलब है यहाँ पे निम्फोमैनिया उस वुमन को बोला जाता है जो जिसकी सेक्सुअल डिजायर जो है थोड़ी एक्सेसिव है. अ वुमन विद एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर इज निम्फोमैनिया. ठीक है, नौ बचता है क्लेप्टोमैनिया. तो क्लेप्टोमैनिया इज एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील. ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा, एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, कोशिश कीजिएगा कि चारों ऑप्शंस आप याद कर पाएं, चारों ऑप्शंस के मीनिंग आप याद कर पाएं. ठीक है, तो आपको आगे और इजी होगा. कभी और कोई वन वर्ड आता है तो उन चारों ऑप्शन में से एक भी कोई सिमिलर वर्ड दिख गया ना, तो आप मीनिंग समझ पाएंगे और आप गेस कर पाएंगे. राइट, तो नेक्स्ट के तरफ बढ़ते हैं. 68 है हमारा, एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन. ऐसे जानवर जो कि एक पर्टिकुलर रीजन में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं. फ्लोरा, फौना, नेटिव, पेनिशिया. ठीक है, तो अब फ्लोरा इज प्लांट्स, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. ठीक है, यहाँ पे एनिमल्स का पूछा गया, प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. तो देखिए
फ्लोरल और फ्लोरा काइंड ऑफ मिलते हुए वर्ड्स हैं, तो एक छोटी सी ये ट्रिक है, आप याद कर सकते हैं कि फ्लोरा प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। नाउ नेटिव मतलब डोमेस्टिक टाइप का होता है, और पेनिसिया, पेनिसिया मतलब होता है अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल द डिफिकल्टीज एंड डिजीजेस। तो ये भी मैंने बहुत बार आपको, ये भी वर्ड बहुत बार आया, पेनिसिया जो होता है, पेनिसिया का हिंदी में अगर मैं आपको वर्ड बताऊं तो रामबाण बोलते ना भाई, ये तो रामबाण इलाज है मेरे लिए, राइट, मतलब मेरी हर दिक्कत उससे दूर हो जानी है ना। तो वो चीज़ होता है पेनिसिया, मतलब अ सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल ऑफ योर डिफिकल्टीज या ऑल ऑफ योर डिजीजेस, ठीक है। तो फौना बचता है, फौना आर द एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं, बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, ऐसी बिलीव को क्या बोलेंगे जिसमें माना जाता है कि वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। ऑप्शंस हैं सब्टरफ्यूज, पैसिफिज्म, हेरेसी, नेटिव, ठीक है। तो सब्टरफ्यूज का क्या मीनिंग है, सब्टरफ्यूज मींस एक तरीके का छल, या तो चीटिंग या तो फ्रॉड टाइप का, ठीक है। नाउ हेरेसी मींस, यहाँ पे हेरेसी का मीनिंग है बिलीफ कॉन्ट्ररी टू ऑर्थोडॉक्स व्यू, ठीक है, एक ऐसी बिलीफ जो कि कॉन्ट्ररी है ऑर्थोडॉक्सी व्यू से। एंड नाउ नेटिव, मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया डोमेस्टिक इज नेटिव, डोमेस्टिक टाइप का, आई एम सॉरी, डोमेस्टिक मीनिंग है, राइट। तो पेसिफिज्म बचता है, पेसिफिज्म इज अ बिलीव दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, ओके। सो आज का लास्ट वर्ड देखेंगे, कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, ठीक है। तो जो कॉन्स्टेंट एफर्ट्स हो रहे होते हैं टू अचीव समथिंग, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शंस दिए हुए हैं फॉर्मलिज्म, इंटेलिजेंट, परसिवियरेंस, रैबल, ठीक है। फॉर्मलिज्म वर्ड से क्लियर है, कुछ फॉर्मल टाइप का होगा, है ना। फॉर्मलिज्म की मीनिंग ये है डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग इन अ फॉर्मल टर्म्स, ठीक है, इन फॉर्मल टर्म्स, तो फॉर्मलिज्म नहीं है। इंटेलिजेंट बहुत कॉमन वर्ड है, इंटेलिजेंट मतलब होता है बुद्धिमान, ऐसे वर्ड्स की मीनिंग मुझे आपको बतानी नहीं पड़नी चाहिए अगर आप SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हो तो। एंड रैबल का मतलब होता है एक तरीके की भीड़, एक डिसऑर्डरली क्राउड, ठीक है, एक डिसऑर्डरली क्राउड या भीड़ को हम बोलते हैं रैबल। तो परसिवियरेंस बचा, तो परसिवियरेंस का मीनिंग है कॉन्स्टेंट एफर्ट्स टू अचीव समथिंग, ओके। सो आई होप आपको आज का लेसन पसंद आया हो, 10 न्यू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आप सीखे हों, आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए हों। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी बैक गाइज, यू कैन फॉलो मी अप ऑन दिस लिंक ओवर हेयर, ओके। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बिलो इन द कमेंट सेक्शंस, शेयर द लेसन्स एज मच एज पॉसिबल, अपने सारे दोस्तों को बताइए जो कि SSC CGL की प्रिपरेशन कर रहे हैं टू फॉलो मी अप ओवर हेयर, और लेसन से अपने आप को बेनिफिट करें, ओके। प्लीज़ रेट, रिव्यू एंड रिकमेंड द कोर्स, एंड आई बी वेरी सून कमिंग अप विद द नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड, हैव एन ऑसम डे, पीस आउट।